everyone, assalamualaikum, namaste, sat sri akal and jai shri ram. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रैक्टर मार्च किसान आंदोलन, दैट इज ट्रैक्टर रैली रेड फोर्ट वायलेंस बाई खान सर. सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि खान सर क्या कह रहे हैं अपनी इस वीडियो में. सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. जय हिंद. यूं तो 26 जनवरी हम सारे भारतीयों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन इस बार के 26 जनवरी में कुछ अशुभ घटनाएं हो गई. अब बहुत से लोगों का मतलब ऑफलाइन भी क्लास खुल गया तो बहुत से लड़कों ने कहा कि सर ये क्या हो रहा है, इसके बारे में समझा दे. देखिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं. 26 जनवरी हम सब के लिए अच्छा होता है, ये देश का त्यौहार है, इसमें कोई भी धर्म बीच में नहीं आना चाहिए. अब इसमें कुछ पुराने चीज़ों पर देखते हैं. ये जो विधेयक है कृषि कानून, सबसे पहले तो ये विधेयक क्या है इसके बारे में हम बहुत पुराना वीडियो बना चुके हैं, उस पर नया बताने की जरूरत नहीं. जैसे ही विधेयक को लाया गया था 5 जून 2020 से ना, तभी से विरोध चालू हो रहा और कांड हुआ आके 26 जनवरी 2021 को. अब इसमें क्या क्या था, ये तो शांतिपूर्ण चल रहा था, 26 जनवरी को अचानक हिंसा फैल गई इसमें. अब ये हिंसा क्या हुआ भाई, जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्रक से ट्रैक्टर से बैरिकेटिंग्स वगैरह को तोड़ दिया. हालांकि पुलिस ने भी बहुत कोशिश किया उन लोग को रोकने के, कई जगह गोलियां भी चलाई गई बैरिकेटिंग्स को जब तोड़ा गया. इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे मतलब धन माल की भी हानि हुई. पुलिस की जो गाड़ियां थी उसे तोड़ी गई, जो बसेस थी उसको भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था. अब इसमें जो था सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया था, वो रूट भटक गए थे लोग. मतलब रास्ता जो बनाया गया था, जो पहले से प्री प्लान था ट्रैक्टर रैली का, उसका ट्रैक्टर मार्च का जो रास्ता था ना, वो ये था कि भाई दिल्ली के अंदर जाके फिर वापस आ जाना है, सेंट्रल दिल्ली में एंट्री नहीं मारना है. सेंट्रल दिल्ली के सेंस क्या है कि जहाँ पर राजपथ है, जहाँ पर परेड हो रहा है. अब आप समझिए यहाँ पर मेन कहानी क्या है. ये पूरा मैप आपको दिल्ली का दिख रहा है, जो ये वाइट कलर का एरिया है, ये पूरा का एरिया ये दिल्ली का है. अब ये दिल्ली की भाई इतना बड़ा एरिया है यहाँ पे, इसमें जो परेड होता है, जितने भी गवर्नमेंट के चीज़ें हैं, लाल किला, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये एकदम सेंट्रल दिल्ली में ये परेड का एरिया है. तो किसानों को रास्ता दिया गया था, भैया आप यूपी और हरियाणा से एंट्री मार सकते हैं और फिर वापस लौट आइएगा. अब दिल्ली जैसे मान के चलिए इधर हरियाणा है, इधर यूपी है. अब किसी को हरियाणा से यूपी जाना था तो पूरा दिल्ली पार करके जाता था, उसका एक दिन लॉस हो जाता जाम में. इसलिए एक नई सड़क बनाई गई थी जिसका नाम था पेरिफेरल वे. एक पेरिफेरल मतलब दिल्ली के बाहर बाहर, तो एक ये था आपका ईस्टर्न पेरिफेरल और एक ये था वेस्टर्न पेरिफेरल, यानी दिल्ली के चारों ओर एक सड़क थी. मतलब अगर ये पार करना है दिल्ली को तो बाहर बाहर पार कर सकते हैं. वो टॉपिक आपका दूसरा है हाईवे वगैरह में, जब उद्घाटन था तो उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन था. लेकिन गवर्नमेंट ने जो प्रदर्शनकारियों को अनुमति दिया था एंट्री करने का, वो बहस 3 जगहों से दिए गए थे. हरियाणा से सिंधु बॉर्डर से, ये सिंधु बॉर्डर से इनको इधर एंट्री करना था और यहाँ से फिर इन्हें इस रास्ते लौट जाना था. एक दूसरा हरियाणा से था टिकरी बॉर्डर, या बड़ा सुने होंगे, इधर से लौट जाना था, ठीक है. लेकिन यूपी से जो रास्ता दिया गया था वो गाजीपुर बॉर्डर से, यहाँ से इन्हें आना था और ये रास्ते से इन्हें वापस गाजीपुर बॉर्डर यूपी में लौट जाना था. समझ में आ गया? तो जो पहली बात की जो किसान ये कह रहा है कि भैया ये आंदोलन केवल पंजाब में क्यों है या फिर हरियाणा में क्यों, भाई यूपी में भी है ये, इवन कि महाराष्ट्र में भी बहुत हद तक इस चीज़ को देखा गया. अब देखिए दिक्कत क्या है. अब देखिए इसमें जो सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, जो रिपब्लिक डे जहाँ परेड हो रहा है, ये वाला एरिया ये गाजीपुर बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा करीब है. तो गाजीपुर बॉर्डर से क्या हुआ, यहाँ से लोग भीड़ जो थी वो रास्ता भटक के यहाँ से ये सीधे आने लगे और ये यमुना नदी को पार करते हुए यहाँ पर और अक्षरधाम के एरिया से ये परेड वाले एरिया में ये लोग घुस गए. हालांकि इस एरिया से भी सिंधु बॉर्डर से भी एंट्री की गई थी, यहाँ से भी रास्ते, हालांकि ये परमिशन नहीं था, जो उन्होंने परमिशन मांगा था वो केवल ट्रैक्टर रैली थी, हम बता दिए इन्हें लौटना था, दिल्ली में एंट्री नहीं करनी थी. बट इनमें कुछ उपद्रवी थे जो एंट्री मार दिए दिल्ली में और लाल किला में क्या कर दिए लोगों तो पता ही है. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मीडिया में ये इमेज दिखाया जा रहा है, मतलब भारतीय तिरंगे को इन लोगों ने हटा के ये वाला तिरंगा लगा दिया. पहली बात देखिए ये गलत एंगल से शूट किया गया कैमरा, यहाँ आपको एक वायर दिख रहे होंगे, अब देखिए ये वायर दिख रहा है कुछ इधर, हमारा ओरिजिनल तिरंगा जो है वो इसके पीछे है. जो वायर आप देख रहे थे वो देखिए हमारे ओरिजिनल तिरंगे का ये वायर है, यहाँ पे इसमें हमारा अपना तिरंगा है यहाँ पर, और ये जो किसानों ने तिरंगा अपना झंडा लगा दिया
वो यहाँ पर है। अभी आपको लग रहा होगा दोनों करीब है, बट आप लाल किला अगर गए होंगे तो देखे होंगे दोनों में काफी का डिफरेंस है, बहुत दूरी है। आप यहाँ पे देखिए, आपको दूरी समझ में आ जाएगी। ये किसान यहाँ पर है, ये जो झंडा लिए हुए हैं इसी में से किसान इस पाइप पर चढ़ गए यहाँ पर, और इस पे जाके उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। जबकि हमारा जो तिरंगा है वो ये है, इसमें वायर से बांधा गया है इस पाइप को। जो फोटो दिखा रही है मीडिया वो आपको इतने दूर का फोटो दिखा रही है, जिसमें आपको ये वायर दिख रहे हैं हल्का, और आपको लग रहा है कि ये हमारा तिरंगा को उतार दिया गया है। तो पहली बात भैया कि हमारे तिरंगे को उतारा नहीं गया, जो वहाँ था वो वहीं है। जो रियलिटी है वो बताना जरूरी है। मान के चलिए हमारे घर में अगर कोई सांड घुस गया तो हम पड़ोसी से यही बोलेंगे, यार सांड घुस गया हमारे घर में, थोड़ा तूड़ फूड़ मचा दिया। ये नहीं बोल देंगे कि डायनासोर घुस गया। जो रियलिटी है उस रियलिटी को बोलना चाहिए। गलत है तो वो गलत है, लेकिन रियलिटी भी एक मायने रखती है। अब यहाँ समझिए, झंडे पे विवाद हो रहा है कि वो खालिस्तान का झंडा है। देखिए, वो झंडा खालिस्तान का नहीं है, ये एकदम गलत तरीका है। ये पाकिस्तान की ओर से चलाया गया एक कैंपेन है, जिसमें भारत के लोग भी कुछ कुछ जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो सीधे कर दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, अमूमन जो झंडे होते हैं, जैसे हिंदू धर्म का झंडा देखेंगे तो उसमें मशाल होते हैं या फिर वो भगवा कलर के होते हैं। अब मुस्लिम धर्म का झंडा देखेंगे उसमें चांद बना रहता है। अब पाकिस्तान का भी देखेंगे उसमें भी चांद दिखेगा, तुर्की का भी देखेंगे तो उसमें भी चांद दिखने लगा। सिख धर्म के किसी भी झंडे पे ये वाला चिन्ह आपको निशान साहिब का जरूर मिलेगा, ये हर गुरुद्वारा पे भी मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं ये मिलेगा। तो बेसिकली जो वहाँ झंडे लहराए गए थे ये ही दो चलाए गए थे। देखिए 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्यौहार है, इसमें धार्मिक चिन्ह का प्रयोग करना एकदम ही गलत है, ये चीज एकदम गलत है। लेकिन अगर उसको खालिस्तान कहा जा रहा है तो ये वहां से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान से। उसको भी हम आगे समझाएंगे कि वो इससे उसको क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, अगर आप खालिस्तान का देखेंगे ना तो उसमें ये निशान साहिब ये भी वहां पे मिलेगा मिलेगा, और यही दोनों झंडे बेसिकली यहाँ पर लहराए गए थे। देखिए, एक ये निशान साहिब वहां पे और हमारा वो तिरंगा वहां पे अपना लहरा रहा था। तो ये जो घटना थी, ये झंडों को लहरा देना, ये एकदम गलत है, इसकी पूरी भारत निंदा करता है। और इवन की किसानों से भी ये उम्मीद नहीं किया गया था, लेकिन वो इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने लगे, क्योंकि दिल्ली को, लाल किला को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। 1857 की क्रांति में भी देखे थे कि लाल किला पर जब कब्जा हो गया, बहादुर शाह जफर को वहां से हटा दिया, तो ये शक्ति प्रदर्शन को दिखाने लगे थे। ये एकदम गलत है, इस दिन धार्मिक चीजों को यहां नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे तिरंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और हमारा तिरंगा को नुकसान हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत माँ का तिरंगा है, ये तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है कि हवाएं चलेंगी तो ही इस तिरंगे को लहराया जाएगा। जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी की सांसें चलेगी, हमारी अंतिम सांस से भी ये तिरंगा लहराते रहेगा, इसके साथ कोई छेड़वाड़ नहीं कर सकता है। जब तक हिंदुस्तानी हैं, इनकी आखिरी सांसें भी हमारी तिरंगे के लिए रहेंगी। लेकिन ये जो घटना हुआ है ये गलत है। जो वीडियो सबसे खराब लगा, आप जरा देखिए, ये भाई इसको चढ़ा हुआ है यहाँ पर, सबसे खराब इसमें जो दृश्य लगा वो ये लगा कि देखिए तिरंगा फेंक कर और ये अपना झंडा लगा दिए, तिरंगा फेंकने के बाद ये अपना झंडा लगा दिए, ये सबसे खराब लगा। देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन, ये तो भैया बेइज्जती हो। शक्ति प्रदर्शन हम तब मानते जब इस पे आप तिरंगा लगा देते तो एक अलग बात था, देश भी आपका साथ दे देता कि नहीं आपने तिरंगा झंडा लगाया। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारे तिरंगा झंडा को फेंक दीजिएगा और आप अपना झंडा लगाइएगा, देश आपके साथ होगा। यही करतूत है कि आज सब लोग आपका साथ छोड़ते लग रहे, ये एकदम गलत है। अरे भाई, अगर यही अगर शक्ति प्रदर्शन करना था तो तिरंगे को लेके करते कि किसका तिरंगा कितना ऊंचा होगा। दिल्ली पुलिस ने जो तिरंगा लहराया हम उससे ऊंचा अपना तिरंगा लगाएंगे तब हम समझते, या पूरा देश आपके साथ खड़ा होता। ये इतना नीच हरकत कर दिए आप, ये पूरा देश इसकी निंदा करता है, ये एकदम गलत है। ये एक बात और, अगर मान के चलिए आप लाल किला में आ ही गए तो लाल किला का प्रांगण उतना बड़ा है, यहाँ एकदम आके पूरी दुनिया में हम लोग की ये मीडिया में बेइज्जती हो गई कि भैया ये हो गया। आप कहीं और भी तिरंगा लहरा देते, और तिरंगा लहराते तो वो एक अलग बात था कि चलिए भैया आपने तिरंगा लहराया, आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। धार्मिक झंडा लगाना एकदम गलत है, ये सरासर उन लोगों ने गलत किया। लेकिन यही देखिए, ये भाई साहब को, ये पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस, यहाँ 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 नीचे में पूरा दिल्ली पुलिस, ये सारा तमाशा दिल्ली पुलिस के साथ हुआ। और इन दिल्ली पुलिस के जवान को देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, आगे जाली है कि चोट नहीं लग सकता है, हथियार है, कमी है तो बस एक चीज की, इनके हाथों में चूड़ियां नहीं है। क्योंकि भाई साहब, इनके सामने भारत माँ की इज्जत पर उंगलियां उठा दी गई। हम आपसे पूछते, दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप खड़े होते तो आप क्या तिरंगे की बेइज्जती देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। हम कहते कि इतने पुलिस वाले थे, इनके बावजूद तिरंगा फेंक कर लहरा दिया गया अपना धार्मिक झंडा। तो आप बताइए कि अगर यहाँ एक भी फौजी रहता तो मजाल किसी के कि तिरंगा फेंक कर आप लहरा दिए रहते। इसीलिए आज भी दिल से सम्मान किया जाता है अपने फौजियों के लिए। और एक बार सोचिएगा दिल्ली,
पुलिस किसानों की अगर यहाँ बेइज्जती हुई है, उन लोग ने तो जो किया अलग बात है, लेकिन ये कोई तुम्हें सम्मान से नहीं देखेगा। इतनी बड़ी पुलिस होने के बावजूद तुम्हारे सामने झंडा फेंक दिया गया, हमारी भारत माँ का झंडा कैसे फेंक दिया गया, और तू खड़ा कैसे, अभी तक तो सस्पेंड कैसे नहीं हुआ, टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? आप सवाल पूछिए इन लोग से कि तुम कर क्या रहे थे, सैलरी किस बात की मिलती है, ऐसे तुम तमाशबीन बन के देखने के लिए। अभी बुलेट प्रूफ है तुम्हारे पास, गोली लगेगी तो कुछ नहीं होगा, हेलमेट आप कौन चीज खोज रहा है, चूड़ी की कमी है। पुलिस वालों को कहते हैं ना, देखिए यहाँ जितने पुलिस वाले हैं यहाँ पर, ये देखिए ये भाई साहब पुलिस वाले, ये भाई साहब, इन लोगों को हम कहते हैं, ये नीचे इतने पुलिस वाले को, इन लोगों को कहते हैं आपके सामने तिरंगा को फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं किए। हम आपको कहते हैं देखो भैया हमारा ये पोडियम है, हमारे पोडियम पे तिरंगा झंडा है, पूरे क्लासरूम में हर जगह खंभे पे तिरंगा है, चरतल्ला पे मेरा क्लास चलता है। हम कहते हैं कि थोड़ा हमारे सामने आके कोई हमारे तिरंगा को फेंक के दिखाए ना, फेंक दिए चरतल्ला पे से नीचे तो कहेगा हमारा आधा मोच काट के घूमेंगे। अरे तू ओके बाद 307 लगाइयो चाहे 302 लगाइयो, लेकिन हमारे सामने नहीं फेंक सकता है कोई यहाँ पे। लेकिन यार तुम लोग के सामने फेंक दिया गया और अब तक तुम लोग के ऊपर कोई FIR नहीं हुआ, ये झंडा का विरोध नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ा गलत है तुम्हारे होते हुए कोई कैसे फेंक के चला जाएगा वहां पर, हमारे फेंक के दिखाए यहाँ पर। किसान लोगों का कहना है कि हम लोग रूट भटक गए थे और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने मतलब रूट भटकाने में भी एक तरह का काम किया, ये किसान संगठनों का दावा है। अब भाई साहब आप रूट भटक गए थे तभी आप एंट्री भी किए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जब हजारों की संख्या में हैं तो आपके ट्रैक्टर मार्च के आगे आप 400-500 आदमी को रखते कि भैया ये रूट है, इस रूट से नहीं जाना है, आपको नहीं समझ में आता है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई मतलब कोई फालतू घटना हुई है इस तरह का तो तब तभी हुआ है जब कोई मार्च निकला था। चाहे आप देखिए चौरी चौरा हत्याकांड देखिए, जो उस समय असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया चौरी चौरा हत्याकांड। आप पेरिस में चले जाइए जब वहाँ पे वास्तिल दुर्ग का जब पतन हुआ था तब, चाहे वो खूनी रविवार रूस की क्रांति देख लीजिए, कहीं पे भी देखिए जब भीड़ मार्च करती है तभी कुछ अनहोनी होती है। दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए, भैया आपको भी इतिहास समझ में नहीं आ रहा कि इतिहास में ऐसी घटना हुई है, और किसान आंदोलन को भी नहीं समझ में आ रहा है। 9 बजे हिस्ट्री का बैच चलता है, तू लोग बोल दियो हम तोरा एप्लीकेशन पे कर देंगे, लेकिन ये सब ऊपर ये सब फालतू घटना मत होने दो। लोग एक दिन पहले किसान आंदोलन के ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचते हैं कि अगले दिन इनको दिल्ली में मार्च करना है। भाई जब दिल्ली में इतनी सड़कें हैं, वहां पर सेना को परेड करना होता है ना राजपथ पे, तो पिछले 20 दिन से वो लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं सब कि RDC परेड करना है रिपब्लिक डे। इन लोग को भैया ट्रैक्टर परेड करना था तो कोई रिहर्सल नहीं, पहले से किसी को रूट नहीं पता था, आगे की ट्रैक्टर अगर गलत रास्ते में गई तो पूरा उधर ही निकल गया। फिर भी भाई साहब लाल किले में घुस भी गए थे तो कहीं और झंडा लगा लेते, तिरंगा लहरा देते, देश आपके साथ खड़ा हो जाता, लेकिन ये जो गलत काम दिया दे आप खुद सोचो, आपका 50% तो आंदोलन खुद ही कमजोर कर लिया आप लोगों ने। कई जगह तो ट्रैक्टर को इतनी तेज गति से ले गया कि पुलिस वाले अपनी अपनी जान बचा के भी भागेंगे, और बहुत जगह पे पुलिस वालों को भी देखा गया कि भाई वो निठल्लों की तरह खड़े भी थे। तो दोनों चीज देखा गया कि भाई इस तरह से असंयमी व्यवहार आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। एक तो ट्रैक्टर स्टंट करने के चक्कर में पलट गए, सर पे चोट लगी, मर भी गए वहां पर। अब ये सब घटना, अब ट्रैक्टर आप शांति से रैली निकालते इतने दिन से आपको कोई नहीं बोला था, लेकिन अब देखिएगा अब गवर्नमेंट को बहुत बेहतरीन आप लोगों ने खुद ही मौका दे दिया है कि अब आंदोलन को दबाने के लिए। अब इसमें आगे क्या क्या मीडिया का क्या रोल रहा वो आपको समझाते हैं। ये खालिस्तान वाला मामला नहीं था, इसमें मीडिया का क्या रोल रहा भाई साहब, देखिए मीडिया जो थी वो सबसे ज्यादा इसी चीज को दिखाई थी, केवल इस इमेज को दिखाई कि शुरुआत में जब हम लोग भी देखे तो भैया बहुत खराब लगा कि भाई हमारा तिरंगा कैसे उतर गया यहाँ पर। तो मीडिया ने इसको दिखाया जो आधा सच था, हम ये नहीं करेंगे ये गलत था। अब किसानों को मीडिया का एक ही मीडिया चैनल को आप देखेंगे ना तो सीधा मीडिया क्या कहती है, फर्जी किसान। तो भाई आप अपने से डिसाइड कर लियो, ये वही मीडिया वाले हैं जो किसानों को फर्जी किसान कहते हैं, जिनका खुद की रैंकिंग 142वें नंबर पर, मतलब दुनिया में ये 142वें नंबर पर आते हैं। सोचिए इन पर क्या भरोसा करेंगे। 2000 के नोट में इन्हीं मीडिया वालों ने कहा था कि इसमें तो क्या है नैनो GPS चिप लगा हुआ है, और आज ये मीडिया वाले तो सबसे खराब लगता है ना। आज बताइए, आज आप ही है कोई चीज कर, जैसे हम एक टीचर है, अगर कोई कहने लगे फर्जी टीचर भाई किसी को खराब लगेगा? अब हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम संयमी हैं, उनको कोई आप गुस्सा में नहीं देखे होंगे, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भी आप गुस्सा में नहीं देखे होंगे। अब आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कहेंगे कि फर्जी मुख्यमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री को कहेंगे फर्जी प्रधानमंत्री, तो पहले आपको वो सामने वाला आपका नैरेटिव तो समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर मीडिया का काम शुरू भी हो गया। और वेट कीजिए 2025 तक, आप मेरी बात को याद रखें, 2025 से 26 तक एक ऐसा वक्त आएगा जब मीडिया वाले देखेंगे ना अपने यहाँ पर चैनल का नाम लिख के घूमते हैं
सब, NDTV, तो आज तक, ये सारे मीडिया वालों के चैनल के नाम लिखे रहते हैं। 2025 से 26 तक ये मीडिया वाले इतने अजीब हो जाएंगे कि ये यहाँ नाम नहीं लिखेंगे कि किस चैनल से है, वरना अगर ये नाम लिख देंगे ना तो फिर इन लोग की थुराई चालू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वालों के ऊपर लोगों ने हाथ भी उठा दिया। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हिंसा कहीं पर भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, आपको भी पता है कि आप कौन सा न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो किसके बारे में बोलेगा। जैसे NDTV खोलेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या दिखने वाला है, और जी न्यूज़ खोलेंगे तो आपको भी पता है कि यहाँ क्या दिखने वाला है। आज तक ABP सबका यही हाल है यहाँ पर सब में। तो एक तो ये लोग उनको कहने लगे कि फर्जी किसान, भाई साहब फर्जी लोग रहते तो 5 जून से लेकर और अभी तक नहीं रह गए रहते वहाँ पर। सबसे बड़ा खराबी क्या है, हम लोग में सवाल पूछना किससे है, पूछते किससे हैं ये नहीं पता। सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर सिक्योरिटी कहीं होती है तो वो दिल्ली में होनी चाहिए, और होती भी है, और दिल्ली में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी जैसे टॉप सिक्योरिटी के दिन, और वो भी पता है कि जब पिछले 5-6 महीने से आंदोलन चल रहा है और ऑलरेडी कहा गया है ट्रैक्टर परेड निकाला जाएगा, तो इतना होने के बावजूद लाल किला हमारा दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं रख पाई। तो सवाल सबसे पहला किससे बनता है, दिल्ली पुलिस से, कि आप लाल किला को सुरक्षित नहीं कर सकते तो फिर किसको सुरक्षित कीजिएगा वहां पर लाल किला में। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ है यहां पर, कि ये लोग जो दिल्ली पुलिस वाले लोग हैं, ये लोग तो मतलब इनको ये दिल्ली लाल किला को सुरक्षित नहीं कर पाए। क्या सवाल आपने सुना है कि किसी ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि भाई आप लाल किला तक रोके क्यों नहीं यहाँ पर? कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि हम लोग को अजीब डिजाइन की सोचे हैं भैया, हमको क्या जरूरत है पूछने की। अब हम आपको बताते हैं, देखिए जब कश्मीर से 370 हटा था, आपको भी लगता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अशांत अगर कोई राज्य रहा है तो जम्मू कश्मीर रहा है। 370 हटाना तो भाई साहब कभी एक वक्त था जब लगता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन जब 370 हटाना था ना तो उससे पहले ही वहाँ CRPF के पुलिस CRPF के जवानों को भेज दिया गया था और हर एक प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था दिल्ली में देखी गई थी? नहीं देखे कोई मैंने, कि गवर्नमेंट को भाई, गवर्नमेंट के पास भी तो दिमाग की कमी नहीं है, उसके पास एक से एक IAS IPS बैठे हुए हैं दिमाग देने के लिए। उन्होंने बता दिया है गवर्नमेंट को कि देखिए देश की जनता जो है इनका एक सिंपैथी, एक सहानुभूति जुड़ी है किसानों से, जब तक जनता का ये सहानुभूति नहीं टूटेगा आप इस आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे। गवर्नमेंट भी इंतजार में थी, किसानों ने वही गलती किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर कर दिया। अब देखिएगा, अब दिल्ली पुलिस वहाँ CRPF उतारा जाएगा, अब सारा टॉप सीक्रेट होगा। रीजन क्या है कि एक जनता का जो मोह था, एक मतलब अटैचमेंट था, वो इस झंडे वाले को लेकर थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला गया। ये किसान वालों को भी सोचना चाहिए कि जिस दिन आप हिंसा कीजिएगा ना उस दिन चौपट हो जाइए, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। दिल्ली पुलिस को भी सवाल होना चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली आप लोग से सुरक्षित नहीं है? और जब ये लोग गाजीपुर बॉर्डर से एंट्री किए थे, यमुना विहार होते हुए अक्षरधाम होते, वहीं से थोड़ी दूर पे है वसंत, ये आपका शंकर विहार करके एक एरिया है, वहाँ आर्मी की बहुत बड़ी छावनी है, आप वहाँ से भी अगर बुला लेते तो आर्मी अगर खड़ी भी हो जाती तो कोई नहीं जा पाता। भाई दिल्ली पुलिस वालों लोग से आपसे सवाल कौन पूछेगा? मीडिया तो पूछेगी नहीं आपसे। किसान आंदोलन के जो टॉपिक चल रहा है आजकल उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन हमने मेजर साहब की, मेजर गौरव आर्या जो हैं उनकी हमने वीडियो देखी थी, और उसके बाद हमने कॉल धनवीर सिंह सर की वीडियो हमने देखी थी, तो उसमें उन्होंने क्लियर तरीके से बता दिया था। तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो में, मतलब कि जो खान सर हैं, बेसिकली अक्सर उनकी वीडियो 100% अच्छी होती हैं, लेकिन इस वीडियो से आज मेरा दिल ना अजीब सा हुआ, बिकॉज इनका स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जो मेजर गौरव आर्या सर हैं और जो कोल रणवीर सिंह सर हैं उनसे बिल्कुल स्टेटमेंट डिफरेंट है। तो अब पता नहीं ये क्या उसमें क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट इनका मुझे समझ आया है कि इन्होंने कहा है कि जो झंडा है बेसिकली वो झंडा इन्होंने जो दिखाया है जिस एंगल से कि तिरंगे को उतार के ये लगाया, तो वो एंगल गलत था पिक्चर खींचने का, उन्होंने गिराया उतारा नहीं है, दूसरी जगह पर इन्होंने लगाया, बट लगाया है, तो ये बात क्लियर की। लेकिन इन्होंने पुलिस पर जो उंगली उठाई है, मुझे नहीं लगता कि यार पुलिस की कोई इसमें गलती है। देखें इतने सारे लोग थे, जाहिर सी बात है वो भी पूरी तैयारी के साथ आए होंगे, ऐसे तो वो खुद से रास्ता भटक गए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इन्होंने प्री प्लानिंग की हुई थी, इनका माइंड बना हुआ था कि हमने जाना है, और वो लोग आए हैं उसी डायरेक्शन में आए हैं, और उन्होंने जो झंडे वाला सिस्टम है उन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक को फेस करनी पड़ी, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को हर्ट हुआ, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि 26 जो है सब लोग इन्जॉय करें सेलिब्रेट करें, लेकिन अचानक से ये सारा जो सिनेरियो हुआ है, तो ये चीज़ मुझे जो है ना
इससे आइडिया हो रहा है कि पब्लिक कितना नाराज हुई है इन सब से। तो बेसिकली मुझे जो सेटिस्फेक्शन हुई है वो है मेजर गरवारिया सर और कॉल रणवीर सिंह सर की वीडियो पे। तो मैं तो सोच रही थी कि इस वीडियो में कुछ इतनी खास इन्फॉर्मेशन है नहीं जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुनकर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। अब वो पुलिस पर सारा ब्लेम डाल रहे हैं, तो पुलिस की अब वो पुलिस इसमें क्या करेगी? जब इतने सारे ट्रैक्टर आ जाएंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे, वहां की कंडीशन देखें, अब वो खड़े होकर अपने आप को, मतलब कि जाहिर सी बात है अगर वो स्टेप लेंगे तो उनके ऊपर उल्टा हमला हो जाएगा। और अगर वो इस तरह की कोई गलती करते तो जाहिर सी बात है उन लोगों के साथ फिर उनको देखना पड़ता, ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती, उससे बहुत सारी चीजें उल्टी हो जाती जो कि लेने के देने पड़ जाते गवर्नमेंट को और पुलिस को। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और एक्शन लेगी गवर्नमेंट, लेगी अपने तरीके से लेगी और लीगल तरीके से लेगी। तो उस टाइम पर कुछ करना मतलब अपने आप को और ज्यादा जो है पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने बुरा बनाने वाली बात थी। सो खैर, ये थी हमारी वीडियो गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।